प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंपोनेंट्स को लेकर, यानी कि इसके वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में। द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्क्रीन आर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्क्रीन के जो कंपोनेंट्स है, जो इसके उपकरण है काम करने के, वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट है टाइटल बार। अब टाइटल बार जो है वो डिस्प्ले करेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क बुक का नाम, टाइटल। ठीक है, चलो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेल, ठीक है, एक्सेल 2013। यहाँ पे लेंगे हम ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है, ये हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है इसका टाइटल बार ये ऊपर, ठीक है, वर्कबुक 2 आ रहा है डिफॉल्ट। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो इसका जो नाम है वो वहां पे हो जाएगा डिस्प्ले टाइटल बार के ऊपर। ठीक है, तो फाइल को सेव करने के स्टेप्स देख लेने हैं आपने। ठीक है, मैं जा रहा हूँ एप ड्राइव के अंदर, यहाँ पे बना रहा हूँ एक फोल्डर अपने नाम से। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है इस नाम से, तो उसका जो नाम है मैं वो बदल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हैंग हो गया था। ठीक है, दोबारा हम जा रहे हैं ब्राउज के अंदर, और यहाँ पे दिस पीसी के अंदर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पहले ड्राइव। ठीक है, एप ड्राइव के अंदर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ न्यू फोल्डर। उस फोल्डर का नाम रखूंगा मैं यहाँ पे, फोल्डर का नाम रख लेते हैं यहाँ पे जैसे ऋषभ। ठीक है, फोल्डर का नाम रख दिया हमने ऋषभ, और इसको हम चलते हैं इस फोल्डर के अंदर ओपन, और यहाँ पे लिखते हैं अपनी फाइल का नाम। फाइल का नाम रख लेते हैं यहाँ पे माई एक्सेल बुक। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी किसी नाम से, जैसे जिस काम को आपने यहाँ पे करना है, जैसे मैथ का काम करना है इसके अंदर, तो मैथ। ठीक है, सेव। ठीक है, अब ये नाम जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है टाइटल बार के ऊपर, maths.xlsx। ठीक है, अब सेकंड पे हम बात कर रहे हैं मेन्यू बार की। तो मेन्यू बार जो होता है, पहले तो होते थे ना, जो MS Office आते थे 2003 तक, उनमें होते थे मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यूज होते थे। अब जो आ रहे हैं MS Office, यहाँ पे बने हुए हैं टैब्स। ये देखो, यहाँ पे सिर्फ एक मेन्यू छोड़ा हुआ है फाइल वाला, जैसे फाइल पे क्लिक करें तो इस तरह से मेन्यू इस तरह से बनते हैं। अब मेन्यू का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नोट पैड के अंदर। ठीक है, नोट पैड में आपको मैं दिखाता हूँ कि मेन्यूज किस तरह से होते थे, ये दिखाई देते थे। ये देखो, यहाँ पे जैसे मैंने फाइल पे क्लिक किया तो इस तरह से आते थे, देखो मेन्यू ये बन रहे हैं नीचे को, ये बॉक्स से बन रहे हैं, इनके अंदर जैसे कट कॉपी कमांड है, ये सारे के सारे ये होते हैं मेन्यूज। लेकिन अब जो है, अब आ रहे हैं MS Office के अंदर टैब्स। ठीक है, अब टैब्स का जमाना आ गया है। ठीक है, ये यहाँ पे ये, ठीक है, ये है टैब्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर रहे हैं तो सारी की सारी कमांड्स ऐसे डिस्प्ले हो रही हैं इस स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर। एक तरह से टूल बार आ रहा है, स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार की। थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्ड टूल बार। ये है स्टैंडर्ड टूल बार, ये जो टैब्स के नीचे आ रहे हैं, जैसे टैब के ऊपर जा रहे हैं ना, तो जो कमांड आती थी ना मेन्यूज के अंदर, वो सारी की सारी आ रही है स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार बोलेंगे। ये और ये फॉर्मूला का स्टैंडर्ड टूल बार है, ये होम के अंदर स्टैंडर्ड टूल बार है, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग बार भी इसके अंदर ही है। ठीक है, टूल्स तो हैं इसके अंदर, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग बार भी इसके अंदर है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फॉर्मेटिंग टूल बार का ही है। फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी फॉर्मेटिंग का मतलब है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टाइल चेंज करना, कलर चेंज करना, ठीक है, अलाइनमेंट चेंज करना, सारा फॉर्मेटिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग सारी चीजें जो फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड टूल बार के साथ ही है, होम टैब के अंदर। ठीक है,
चलिए अब चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार जो है हमारा एक्सेल शीट का जो फॉर्मूला है उसको डिस्प्ले करेगी, ये है यहाँ पे फॉर्मूला बार। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पे एक फिगर लिख रहा हूँ मैं 45:2 और इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे फॉर्मूला से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, देखो 45 जो है कहाँ पे है, ये है डी के नीचे और 5 के सामने, यानी कि डी 5 पे। ठीक है, जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक डी 5 आ गया और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर रहा हूँ और 2 कहाँ पे है, ई 5 के ऊपर। ठीक है, ई 5 सेलेक्ट हो गया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आ गया 90 और ये जो फॉर्मूला है देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इस फॉर्मूला बार के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आंकड़े और यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है सेल एड्रेस बार। सेल, ये जो ब्लॉक बन रहे हैं छोटे छोटे से, इनको बोलते हैं हम सेल। अब ये जो वैल्यू हम भर रहे हैं, ये वैल्यू जो है वो ये है सेल के अंदर। वैल्यू कहाँ पे है, ये सेल के अंदर। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है ये सेल के अंदर है, 45 लिखा हुआ ये सेल के अंदर है। अब जो सेल एड्रेस बार है वो ये है, सेल एड्रेस बार हमारा डिस्प्ले करेगी सेल का एड्रेस, उस वैल्यू का एड्रेस। जैसे 45 है ना, कहाँ पे है ये देखो D5 के अंदर है। 2 कहाँ पे है, ये देखो E5 के अंदर है। तो ये है सेल की एड्रेस बार, ये फॉर्मूला बार, ये सेल की एड्रेस बार। उसके बाद है स्टेटस बार। अब जो स्टेटस बार है इसका वो ये है, ठीक नीचे जाके ग्रीन कलर में, ये एक्सेल शीट का ग्रीन कलर में रेडी, स्टेटस रेडी आ रहा है। और यहाँ के ऊपर मैं एक और चीज बताता हूँ, जैसे मान लो मैं ये वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये देखो नीचे जो है इसकी स्टेटस बार इसका एवरेज दिखा रहा है, काउंट भी दिखा रहा है कि कितनी वैल्यू है और इसका सम भी कर रहा है ऑटोमेटिक। ये देखो 47 इसका सम है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके ये 90 है बिना सम किए, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा रहा है, यानी कि ये है इसका स्टेटस बार। स्टेटस बार के बाहर आती है 8th पॉइंट पे वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल यानी कि तिरछी स्क्रॉल बार जो है इसकी, ये है इसकी तिरछी स्क्रॉल बार जो है ऊपर नीचे करने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे हम वैल्यूज भर रहे हैं ना, जैसे 34 लिखा यहाँ पे, जो भी लिख दिया यहाँ पे वैल्यू, सारी जो भी हमने यहाँ पे भर दी फटाफट नीचे को, तो ये शीट ऐसी चलती जाती है नीचे को और ये ऊपर नीचे करने के लिए शीट को, फिर ये होती है हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, और वर्टिकल स्क्रॉल बार के बाद है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार 9th पॉइंट पे। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये होती है हॉरिजॉन्टल बार, मान लो यहाँ को वैल्यूज अगर भरती जाती है ना, यहाँ को वैल्यूज अगर भरती जाती हैं तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से कंट्रोल में आएगी फिर। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ठीक है, तो ये था एक्सेल शीट का वर्किंग एनवायरनमेंट, एक्सेल शीट में जिन कंपोनेंट से हम काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी था, कल फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।